अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये इतना सेहतमंद आदमी है कि मुझे इससे मिलकर उधर लगता है। मेरे डॉक्टर साहब एंड सिक्योरिटी गार्ड बेस्ट। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, हम गरीबों से बहुत बहुत मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनका बहुत दे। आमीन। ये हम आपके लिए ईद का गिफ्ट लेके आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज है ईद का मुबारक दिन, और आप लोगों को ईद मुबारक कहने के बाद मैं जा रहा हूँ ईदगाह के तरफ, यानी कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए अपनी फैमिली यानी कि अपने भाई और अपने बेटों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। रास्ते में आपसे गपशप भी करूँगा, और उसके बाद जो हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम ईद मिलते हैं फैमिली से और अपने फ्रेंड से, अहले महल्ला से, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक बहुत ही ज़रूरी काम है दोस्तों जो हमें ईद के दिन करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस काम को करते हैं। तो वो क्या काम है जो हम लोगों को करना ही चाहिए ईद के दिन, वो मैं आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के बाद बताता हूँ। गाइस, हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए, और वक्त जो है बस होने ही वाला है मस्जिद का। हम ज़रा ईद की नमाज़ का वक्त हुआ ही जाता है, हम ज़रा जल्दी आ गए हैं क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि ईदगाह में आपको जगह नहीं मिलती, तो ईदगाह में पहले ही चले जाना चाहिए। और जो ईद की सुन्नतें हैं, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत थी कि तीन खजूर, तीन ताक, मतलब उसमें तादाद में वो खाते थे, तो ताक उसमें तादाद में खजूर को खाना चाहिए, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और एक रास्ते से जाना चाहिए और दूसरे रास्ते से आना चाहिए, रास्ता बदल के, ये अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। Father and son. Father and son. Meet and greet with Eid. अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि हमने नमाज़ पढ़ ली और ईद मुबारक भी हो गया, और अब हम रास्ता बदल के जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ईद की सुन्नतें ये हैं कि रास्ता बदल के जाना चाहिए, तो हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। अब हम घर की तरफ बस पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे साथ शेरी हैं, ईद मुबारक, और अब्दुल सबूर शाह हैं, ईद मुबारक, अबू बकर हैं, और मोहम्मद शाह हैं, ईद मुबारक। और ये हमारे अहले महल्ला आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ पहुंच रहे हैं। ये कमांडो, एक टर्मिनेटर, एक सिल्वेस्टर स्टालोन है। गाइस, ये हैं हमारे वसीम साहब, हमारे गली के सिक्योरिटी गार्ड, और ये हैं जुबैर साहब, हमारी गली के सिक्योरिटी गार्ड। तो इनसे ईद मिलने का सिलसिला हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड, ये इतना सेहतमंद आदमी है कि मुझे इससे मिलते हुए डर लगता है। मेरे जोर से पसलियाँ ना दबा दे तो मेरी पसलियाँ ना टूट जाए। डॉक्टर साहब एंड सिक्योरिटी गार्ड बेस्ट कॉम्बो। ये है हमारी गली के क्या कहते हैं चेयरमैन, कामरान सेक्रेटरी है हमारी गली के। हमारी गली में कब पानी आ रहा है, हमारी गली में क्या हुआ है, हमारी गली में क्या नहीं हुआ है, सब रिपोर्ट होती है इनको। कामरान भाई हैं, बहुत मशहूर आदमी है।
और कि मैं उनसे ईद मिल चुका हूँ, तो चल के देखते हैं बेगम तैयार हुई हैं कि नहीं हुई हैं और बच्चियाँ तैयार हुई हैं कि नहीं। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था इंट्रो में कि कौन सी एक बात का हुक्म है जो हम लोगों को करना चाहिए और बहुत ही कम लोग इस बात का एहतमाम करते हैं, तो मेरा इशारा इस बात की तरफ था कि वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से ईद की खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते, तो हम उन सब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करें और जितना भी हमसे बन सकता है तो वो हम करें। तो उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है चले आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सूट्स हैं जो एज गिफ्ट हम उन तमाम लोगों को देंगे जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये गुल अहमद है, ये लाखानी है, एंड आर्ट्स है, तो ये सफ़ायर है। तो इस तरीके के सारे ब्रांड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे ब्रांड्स के सूट हैं। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि खुशियाँ किस तरीके से बांटी जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे कलर पूछ रहा था, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ग्रे नहीं, ये देखो लाइट ग्रीन कलर है, लाइनिंग सेल सही है। ठीक है, ये निशात का सूट है और आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। अब आपने क्या करना है कि आपने चैनल कैमरे में देख के कहना है कि डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करना। जी जी बोलो जी, डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बोले जो मैं कह रहा हूँ बस वो कर लें, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप, मेहरबानी आपकी, ये आपका है, ये अपनी दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। वो कहाँ है दूसरा? वसीम भाई, वसीम भाई रात की ड्यूटी। यार मैंने उससे कहा था तुम्हारा गिफ्ट रखा है लेके जाना इंशाल्लाह, वो शाम में आएंगे। चलो मेरा 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 पैगाम दे, ठीक है, ये सिलवाने के बाद ना आपने मुझे अपनी एक इंशाल्लाह पिक बनवानी है मेरे साथ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके अल्लाह। ये हम आपके लिए ईद का गिफ्ट लेके आए, बस आपने दुआओं में हमें याद रखना है, और जिन लोगों की भी ये कोशिश है मुझ समीत दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। अच्छा, यहाँ पे देख के कहें कैमरे में देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बस जो ये कह रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं आप लोग वो कर लें। आप लोग तो समझ गए ना ये क्या कह रहे हैं, तो कह कर लें, कर लें, मैं कह रहा हूँ कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।
गाइस जैसे आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑलमोस्ट जो सारे गिफ्ट थे वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कुछ गिफ्ट जो हैं बचे हैं और मैं और मेरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि जो गिफ्ट्स हैं वो जो पेशेवर मांगने वाले हैं ना उन लोगों तक ना जाएं। तो आज के दिन भी अगर जो शख्स मेहनत मजदूरी करने के लिए निकला हुआ है तो यकीन मानिए कि वो इंतहाई मजबूरी का कोई मारा हुआ होगा। मैंने और मेरी टीम ने कोशिश की है कि हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों तक जो हमारे आशे गिफ्ट हैं ना वो पहुँचाए जाएँ। तो अभी कुछ गिफ्ट्स हमारे पास बैलेंस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको देखे मतलब उन लोगों तक पहुंचा दें वाकईतन जो उसके हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने कोशिश की है कि ये गिफ्ट उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो वाकईतन इन गिफ्ट के सही तौर पे हकदार थे। तो मैं बस अभी अभी घर पहुँचाऊँ और अल्लाह के हुक्म से जो हमारी कोशिश थी हमने पूरी कोशिश की है कि अपनी कोशिश में हम कामयाब रहें। तो जिन जिन लोगों ने भी इस नेक काम में पार्टिसिपेट किया था नाम लेने के लिए सभी ने मना किया था, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की इस कोशिश को जो उन्होंने इस नेक कॉज में पार्टिसिपेट किया अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है तो अब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में आप लोगों से और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आप लोगों को ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।